फिल्म पायरेसी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है, क्योंकि उद्योग को पायरेसी से सालाना करीब 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। CBFC सूचना एवं प्रसारण अधिकारी पायरेटेड फिल्म सामग्री वाली किसी भी वेबसाइट ऐप लिंक को ब्लॉक करने, हटाने या निर्देश देने के लिए अधिकृत किए गए हैं। पायरेसी के कारण फिल्म उद्योग को हर साल तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने के कारण केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने पायरेसी रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। इसी साल मानसून सत्र के दौरान संसद द्वारा सिनेमेटोग्राफ संशोधन कानून 1952 को पारित करने के बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पायरेसी के खिलाफ शिकायतें प्राप्त करने और बिचौलियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पायरेटेड सामग्री को हटाने का निर्देश देने के लिए नोडल अधिकारियों का एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया है। कॉपीराइट कानून और IPC के तहत अभी तक कानूनी कार्रवाई को छोड़कर पायरेटेड फिल्मी सामग्री पर सीधे कार्रवाई करने के लिए कोई संस्थागत तंत्र नहीं है। इंटरनेट के प्रसार और लगभग प्रत्येक व्यक्ति द्वारा निःशुल्क में फिल्मी सामग्री देखने में रुचि रखने के कारण पायरेसी में तेजी देखी गई है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि उपरोक्त कार्रवाई से पायरेसी के मामले में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी और फिल्म उद्योग को राहत मिलेगी। देश और दुनिया भर में पायरेसी को लेकर बहुत चिंता व्यक्त की जाती है और ये माना जाता है कि भारत में 20 से 25 हज़ार करोड़ रुपये का सालाना नुकसान होता है पायरेसी के कारण। और इसमें जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनको सबसे बड़ी मुश्किल आती है कि बनाने में सालों लग जाते हैं और चुराने वाले चंद मिनट में चुराते भी हैं, दुनिया में दिखाते हैं और करोड़ों कमाते हैं। इसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में शुरुआत की और पार्लियामेंट में बिल पास किया, सिनेमेटोग्राफ एक्ट, और इसका पूरी इंडस्ट्री ने बहुत स्वागत किया। अभी उसी के चलते नोडल ऑफिसर जो हैं वो नियुक्त किए गए हैं मंत्रालय में भी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन मुंबई हेडक्वार्टर में भी, और इसके अलावा जो हमारे रीजनल जहाँ पे बड़ी हब्स हैं वहाँ पे भी अधिकारियों की, नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई है। इससे अब दंड देना भी आसान होगा, क्योंकि जैसे ही शिकायत आएगी चंद घंटों के अंदर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और 3 साल तक की सजा और लाखों रुपये उसको जुर्माना भी किया जा सकता है। इससे पहले इस विधेयक के बारे में संसद में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा था कि इस कानून का उद्देश्य फिल्म पायरेसी पर अंकुश लगाने की फिल्म उद्योग की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करना है। इस कानून में 40 वर्ष बाद संशोधन किया गया है ताकि 1984 में अंतिम महत्वपूर्ण संशोधन किए जाने के बाद डिजिटल पायरेसी सहित फिल्म पायरेसी के खिलाफ प्रावधानों को इसमें शामिल किया जा सके। संशोधन में न्यूनतम 3 महीने की कैद और 3 लाख तक रुपए के जुर्माने की सख्त सजा शामिल है। सजा को 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है और ऑडिटेड सकल उत्पादन लागत का 5% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।